हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं और ये न्यूज़ है भारतीय नेवी को लेके और भारतीय नेवी का सबमरीन फ्लीट को लेके। दो दिन पहले इकोनॉमिक्स टाइम्स में पब्लिश हुआ एक न्यूज़ के द्वारा हम लोगों को ये पता चला कि भारत रशिया से अकुला क्लास का दूसरा सबमरीन लीज में लेने जा रहा है। उसी न्यूज़ के तहत हमें ये भी पता चला कि इस डील का लागत पड़ेगा कम से कम $3.3 बिलियन। दोस्तों, ये तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। $3.3 बिलियन से जो हम अकुला क्लास सबमरीन ले रहे, उसके साथ हमें मिल रहा है दूसरा टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी है भारत में ही अकुला क्लास जैसा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने का टेक्नोलॉजी, और वो भी सस्ते में। इस डील के तहत हम लोगों को ये भी जानने को मिला है कि फ्यूचर में भारत रशिया के साथ मिलकर भारत में ही सस्ते में करीबन $200 मिलियन के लागत से बहुत सारा न्यूक्लियर सबमरीन बनाने जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सब लोग जानते ही होंगे कि भारत के पास सिर्फ 14 कन्वेंशनल सबमरीन है, जबकि भारत फ्रांस से और 6 सबमरीन खरीद रहा है और फ्यूचर में प्रोजेक्ट 75I के तहत और 6 सबमरीन बनाएगा। पर न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी में भारत के पास सिर्फ एक अटैक सबमरीन और एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जबकि इंडियन नेवी के प्लान के हिसाब से भारत 4 अरिहंत क्लास का और 3 हैवी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बनाएगा। उसी के साथ 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी होगा। पर क्या आप जानते हैं कि भारत 1987 से ही न्यूक्लियर सबमरीन इस्तेमाल कर रहा है? हाँ दोस्तों, रशिया एक ऐसा देश है और ऐसा साथी है को भारत को 1998 में ही न्यूक्लियर सबमरीन दे चुका था। इंटरनेशनल रूल के हिसाब से कोई देश दूसरे देश को मिलिट्री पर्पोज में इस्तेमाल होने वाला न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेच नहीं सकता, पर रशिया भारत का एक पक्का और सच्चा दोस्त है, और इस रूल को ना तोड़े रशिया 1987 को ही भारत को न्यूक्लियर सबमरीन ना बेच के लीज में दिया था। और ये सबमरीन भारत में करीबन 3 साल तक रहा, और माना जाता है कि ये सबमरीन को भारत इसीलिए खरीदे थे ताकि इसके बेसिस पे भारत अरिहंत क्लास सबमरीन को बना पाए। पर उसके बाद भारत को महसूस हुआ कि चाइना का न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, और उसको काउंटर करने के लिए भारत रशिया से फिर दूसरा सबमरीन लीज में लिया, और इस बार था अकुला क्लास का सबमरीन जो 2009 में कमीशन हुआ, लेकिन भारत को 3 साल के अंदर ही उसको 2012 को दे दिया गया। और अब सुनने को ये आ रहा है कि भारत दूसरा अकुला क्लास का सबमरीन लेगा और इसका लागत आएगा $3.3 बिलियन। ये सबमरीन को भारत के कंडीशन मुताबिक और भारत के नेवी के जरूरत के मुताबिक तैयार किया जाएगा, और ये सबमरीन करीबन 2023 तक तैयार हो जाएगा और भारत को मिल जाएगा। कुछ दिन पहले जब भारतीय नेवल चीफ रशिया के विजिट में थे, तब उन्होंने अकुला क्लास के सबमरीन के विजिट में भी गए थे, जिसमें वो 2 सबमरीन को देखे और उसमें से एक सबमरीन ही चूज किया जाएगा। इन 2 सबमरीन में से एक सबमरीन था ब्राटेस्क और दूसरा था समारा। नेवल चीफ के विजिट के बाद इंडियन नेवी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा ये डिसाइड किया गया कि इन 2 सबमरीन में से एक सबमरीन को लीज में लिया जाएगा, और इसके लिए रशियन काउंटर पार्ट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बातचीत भी स्टार्ट कर दिए हैं। जबकि इस बातचीत में खाली सबमरीन को लीज में लेने का बातचीत नहीं होगा, साथ ही साथ रशिया के साथ और एक एग्रीमेंट के बारे में भी सोचा जा रहा है, जिसके तहत भारत और रशिया मिलके बहुत कम पैसे के लागत से न्यूक्लियर सबमरीन बनाएगा। रशियन न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के तहत रशिया और भारत न्यू सबमरीन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर बातचीत स्टार्ट कर दिए, और जिसके तहत भारत का किसी शिपयार्ड के साथ रशिया मिलके कॉस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर सबमरीन बनाएगा, जबकि अभी तक कौन सा शिपयार्ड होगा इसका कुछ खुलासा नहीं किया गया है। स्पुतनिक के मुताबिक इस डील के तहत भारत और रशिया मिलके $200 मिलियन से भी कम लागत में एक प्रोटोटाइप डिजाइन करेगा, और उसके बाद रशिया भारतीय शिपयार्ड को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा कि कैसे इस सबमरीन को भारत में ही बनाया जाए। भारत के पास फिलहाल 13 कन्वेंशनल सबमरीन और 2 न्यूक्लियर सबमरीन है, जबकि चाइना का इंडियन ओशन में दबदबा कम करने के लिए भारत को करीबन 24 सबमरीन का
का जरूरत है। और इसी बीच ये भी सुनाई दे रहा है कि पाकिस्तान चाइना से करीबन 5 से 6 कन्वेंशनल सबमरीन खरीदेगा, जबकि चाइना रशिया से बहुत सारा कन्वेंशनल सबमरीन खरीद चुका है और साथ ही साथ खुद भी बना रहा है। और माना यह जा रहा है कि चाइना 2020 तक 76 सबमरीन बना लेगा, जो कि भारत के लिए इंडियन ओशन रीजन में एक खतरा बन सकता है। और इसी खतरे से निपटने के लिए भारत को खुद से सबमरीन बनाना चाहिए और साथ ही साथ रशिया के साथ मिलकर भी सबमरीन प्रोजेक्ट में आगे जाना चाहिए, जिससे भारत जल्द से जल्द सबमरीन का गोल को अचीव कर पाए और इंडियन ओशन रीजन में चाइना को काउंटर कर पाए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस करके मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।